थाला मतलब धोनी और धोनी का नंबर सात। धोनी है भगवान हमारे, कभी न खाते मात। सब कुछ चढ़ा है साथ से देखो हर मौसम हर सीजन। जब जब आए साथ तो बोलो थाला फॉर ए रीजन, थाला फॉर ए रीजन, थाला फॉर ए रीजन। Hey guys, अब मैं react करने वाली हूँ on थाला for no reason by make joke of by Saurabh Shukla। थाला for no reason, थाला से प्यार ही है हमको सबको for no reason। So before I start, hello and I'm Manali Naik, welcome to my channel रखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो please do subscribe my channel। सब कुछ साथ है बेटा, सब कुछ साथ है। देखो सात रंग, सात समंदर, सात तेरे, सात वचन, सात जन्म, सात चक्र, सात सूर, सात अजूबे, सात हमशकल, सात महाद्वीप और आसमान में सप्तऋषि तारा मंडल, सात ताला पौरे रीजन। लेकिन ग्रह तो नौ है। कहाँ सो रहे हो नौ ग्रह? प्लूटो को लात मार कर भगा नहीं दिया नासा ने लबड़ू दास? हाँ तो फिर भी आठ बचे। धरती से जब देखोगे आसमान में कितने दिखेंगे? आठ, आठ दिखेंगे। धरती पर रहोगे तो आसमान में धरती भी दिखेगी क्या? फालतू बात कर रहे हो। साथ दिखेंगे, साथ दिखेंगे, थाला फॉर ए रीजन, सब साथ है। ये क्या मतलब, क्या है इसका मतलब थाला फॉर ए रीजन, ये है क्या? अरे कुछ नहीं यार, ये लोग धोनी को थाला बुलाते हैं। हाँ? और धोनी का जो नंबर है पीठी पे लिखा रहता बड़ा बड़ा, हाँ साथ, तो उसको कहीं ना कहीं से लोग फिट कर दे हैं कि भैया हर चीज सात अक्षर की है, हर चीज सात है। जैसे ही सात अक्षर मिल जाता चिल्लाने लगते हैं थाला फॉर ए रीजन, थाला फॉर ए रीजन। मतलब जैसे जबरदस्ती भी सात ग्रह बना दिए। अच्छा जबरदस्ती नहीं बना दी, पूरी दुनिया सात नंबर से चल रही है। सात से चल रही है, और नहीं तो क्या अठारह से चल रही है कि पैतालीस से चल रही है? तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब क्या, क्यों बना रहे हो सात से? हम सुना रहे, रुको अब सुनो। थाला मतलब धोनी और धोनी का नंबर सात। धोनी है भगवान हमारे, कभी न खाते मात। सब कुछ चढ़ा है साथ से देखो हर मौसम हर सीजन। जब जब आए साथ तो बोलो थाला फॉर ए रीजन, थाला फॉर ए रीजन, थाला फॉर ए रीजन। तुम खाना कायम खाते हो? पेट में खाते। अबे अबे कायम रख के खाते हो खाना? जमीन में रख के खाते हो खाना? जमीन में रख के खाते हो खाना? तुम मतलब कुत्ता उत्ता हो क्या, गैया हो तुम? खाना जमीन में रख के खाते हो? गैया कुछ ना बोल देना। अरे प्लेट में रख के खाते हैं, बताओ क्या दिक्कत है? प्लेट में रख के खाते हो यानी थाली में रख के खाते हो? थाली, थाला फॉर ए रीजन। पहले के जमाने में लोग क्या भोंकते थे? लोग कहाँ भोंकते थे, कुत्ते भोंकते थे। कुत्ता भोंकते थे ना, भौ भौ, आज भी भोंकते कुत्ता। अरे कह रहे हैं कि लोग भोंकते, मतलब क्या भोंकते थे, क्या कोंचते थे, कुचुर कुचुर, क्या क्या पुराने जमाने में क्या कोंचा जाता था, भोंका जाता था? सुई, युद्ध में सुई भोंका जाता था, तलवार। हमसे पूछो क्या भोंकते थे, क्या भोंकते थे? भाला भोंकते थे, भाला। अच्छा भाला फॉर ए रीजन। ये ना करो, हर चीज में थाला, हर चीज में साथ है। अभी अक्षर गिन ले। धोनी अपना चेन्नई में खेलता, CHENNAI चेन्नई में सात लेटर थाला। क्रिकेट में सात, बैटिंग में सात, कीपिंग में सात, कैप्टन में सात, स्टेडियम में सात, सब में सात। वो थाला फॉर ए रीजन। धोनी का नाम तो खुद पांच अक्षर का है, धोनी DHONI। MS धोनी यार, MSDHONI, सात लेटर थाला। खुद क्या थाला नहीं होंगे क्या? तो हाथ में फिर उंगली का है पांच है, वो भी सात होनी चाहिए थी। अच्छा गुड क्वेश्चन बेबी, दिमाग लगा गया हूँ। बता बता। फाइव फिंगर्स राइट, काउंट विद मी ब्रो, FINGERS, सेवन लेटर्स, थाला। ऐसा कैसे हो सकता है? हर मौसम हर सीजन, थाला फॉर ए रीजन। बेटा अपने भविष्य के बारे में सोचो, ऐसे थाला थाला करके काम नहीं चलेगा। तुम ऐसे है यूट्यूब पे बैठ के थाला थाला करते रहो। अबे यूट्यूब पे बैठे, यूट्यूब खुद थाला, YOUTUBE। और यही नहीं, और सुनो, MJOK वीडियो में बैठे हो है ना? हाँ तो सौरभ शुक्ला की वीडियो है, SAURABS। अच्छा IPL में 10 टीम कैसे हैं? उस हिसाब से तो IPL में 7 टीम होनी चाहिए थी। इसका भी कोई जवाब बताओ, 10 में से जीता कितनी टीमों ने? जीता गया RCB तो कभी नहीं जीता वैसे। अरे वो पूछा जीता कितनी टीमों ने, तुम RCB पहले पहल दो, कभी नहीं जीता, कभी नहीं जीता। 7 टीमों ने अब तक IPL जीता है।
चेन्नई मुंबई कोलकाता हैदरा गुजरात राजस्थान और डेक्कन चार्जर्स। खाला फ्रंटों के लिए नहीं जीतने वाले वीरों के लिए काम करता है। तो मतलब आरसीबी नहीं जीती क्योंकि उसमें सात नहीं आ रहा है। और नहीं तो क्या, ना रॉयल ना चैलेंजर्स ना बैंगलोर में सात है, कोहली में भी सात नहीं तो कैसे होगी बात है। अब अगर ये रैप किया ना तो तमाचा मार देंगे। तमाचा ए, मजा आ रहा था। TAMACHA थाला फॉर अ रीजन, तमाचा फॉर अ रीजन। मतलब जो है आज तक कोई जो भी जीत रहा है उसके पीछे भाई थाला है। फिर रोहित कैसे जीत लिया इतनी ट्रॉफी, उसके नाम तो पांच अक्षर का है। उठा के फेंक तो दिया गया कूड़ेदान में। हमारी बात का जवाब दो, पांच जीती तो कैसे जीत लिया, पांच कैसे जीत लिया ये बताओ। बेटा खाली आईपीएल है जीत पाएगा। ए? क्या है, सच्चाई बता रहे हैं? काहे पुराना दर्द याद दिला रहे यार। अरे तो क्या हो गया, उसमें एक बार वर्ल्ड कप हार गए तो क्या, उसमें इतना बढ़िया तो खेला था, वर्ल्ड कप हार गए तो मतलब कोहली कोई वैल्यू नहीं। वर्ल्ड कप जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता, थाला है उसमें AUST, बहुत सारे अक्षर हैं। कैप्टन कौन था? पैट कमिंस, CUMMINS। सबसे ज्यादा बार किसने वर्ल्ड कप जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। उसके सारे कैप्टन देख लो पुराने। पैट कमिंस का कमिंस है थाला, माइकल क्लार्क का माइकल है थाला, रिकी पॉन्टिंग का पॉन्टिंग है थाला, PONTING। देवा रे देवा, भैया फैन हो तो ऐसा। हम ये कह रहे थे कि बंद करो बंद करो भैया, बंद करो प्लीज, मतलब आप पैर बढ़ते हैं, बंद करो। बंद करने से T20 वर्ल्ड कप जीत नहीं जाओगे। हाँ ठीक है, ना जीता तुम। अबे जिताओगे क्या, हम तो चाहते T20 वर्ल्ड कप हार जाओ तो पता चले थाला क्या चीज है। क्या बोला? हम तो चाहते कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया हारे तो पता चले थाला क्या चीज है। बेटा तुम धोनी फैन नहीं हो सकते। काय जो धोनी फैंस है ना वो इंडिया के सबसे बड़े फैन। अबे हम सबसे बड़े ही फैन है इंडिया के, नहीं तो एक बात बता दे तुम, फैंस बनो, अंधे फैंस मत बनो। ऐसे नहीं बोलो। इंडिया के आगे कुछ नहीं है, भारत के आगे कुछ नहीं है। ऐसे नहीं बोलो। क्योंकि ना इंडिया में साथ है ना भारत में साथ है, इंडियंस में तो है INDIAN। हेलो, हाँ एस्ट्रो टॉक वाले पंडित जी बोल रहे हैं क्या? कह रहे थे देखिए मेरी कुंडली में कोई मर्डर वर्डर लिखा है क्या मेरी जिंदगी में? अच्छा लिखा है, ठीक तो हो गया। अब के बरस है ये सावन, जान न मेरी ले जाए, ले जो कोयल बाहों में, ले जो कोयल। थाला मतलब धोनी और धोनी का नंबर सात, धोनी है भगवान हमारे कभी न खाते मात, सब कुछ चुड़ा है साथ से देखो हर मौसम हर सीजन, चक चक बाए साथ तो बोलो थाला फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन। प्यार तो थाला से बहुत है, चलो नो डाउट, बहुत बहुत नो डाउट। ये थाला फॉर नो रीजन लिखा ना, फॉर नो रीजन आई लव, नहीं फॉर नो रीजन नहीं बोल सकते, बहुत सारे रीजन दिए है उन्होंने प्यार करने के लिए उनसे। बट ऐसे नहीं बोले यार, कप जो है वो वर्ल्ड कप का कप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लेयर्स के तो फैंस है ही, चलो इंडिविजुअल के फैंस है ही, बट ऐसे कप मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है यार। वो नहीं सब लोग बोलते कि इंडिया में ना इंडिविजुअल फैंस को ज्यादा फैंस है, मतलब लाइक अपार्ट फ्रॉम लाइक बड़े बड़े जो कप्स वगैरह से भी ज्यादा इनको इम्पोर्टेंस होती है अपने एक इंडिविजुअल इसकी। मैं खुद थाला की फैन हूँ, विराट कोहली की फैन हूँ, रोहित शर्मा पसंद है मुझे, बट इंडिया के लिए कप लाना ये बहुत जरूरी है। नहीं मतलब ऐसे लगता है होना चाहिए, वो दिन याद मत कराओ हमको प्लीज, आज भी दुख होता है, आज भी दर्द होता है, आज भी उदासी आ जाती है बहुत ज्यादा।
वैसे सात से तो सब कुछ, और उसने हर एक चीज सात से रिलेट कर रहा है भाई साहब, हर एक चीज सेवन से रिलेट कर रहा है वो, उसके पास हर एक जवाब है। अर्थ से अगर आप प्लैनेट देखोगे तो सात दिखेंगे। ओके, फिर क्या प्लेयर्स का क्या कुछ तो बोला ना उसने कि सात हो रहा है। माँ कसम, क्रेजी फैन, क्रेजी, इतने क्रेजी फैन से मैं आज तक नहीं मिली हूँ। अगर आप मिले हो तो आप मुझे आपका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, था मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत निहाली, बाय।